अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम मैथमेटिक्स का 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 उसका लेक्चर नंबर 4 करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर नंबर 3 में किया था वो था आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हम जो नेक्स्ट रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है इफ एट लीस्ट वन एंट्री ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉट जीरो। कि कम से कम जो एक एंट्री जो प्रिंसिपल डायगोनल में है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए और जो बाकी डायगोनल एंट्रीज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? जीरो के इक्वल होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ पे प्रिंसिपल तो वो क्या होगा? डायगोनल होगा। तो यहाँ पे देखें कि कौन सी वैल्यू जो है वो स्लोप बना रही है, यहाँ पे 2, 3 स्लोप बना रही है, 0, 4 और 6, 5, 3। तो देखिए जो फर्स्ट आपके पास वैल्यूज की स्लोप बनती है वो हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो क्या कहा गया है कि प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो लाजमी नहीं है कि सारी एंट्री जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए या जीरो के इक्वल होनी चाहिए। कम से कम का मतलब है एट लीस्ट। तो एट लीस्ट का मतलब ये है कि इसमें एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी बेशक ही नॉन सारी नॉन जीरो भी हो जाए, बाकी जो आपके पास जो मेन बात है वो ये है कि जो बाकी डायगोनल्स के बगैर वाली वैल्यूज है वो जीरो होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ये देखे, इसमें एक प्रिंसिपल डायगोनल में दोनों नॉन जीरो वैल्यूज है। देखिए कम से कम कहा गया है कि एक नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों नॉन जीरो हैं। लेकिन जो देखिए बाकी जो वैल्यूज है आपके पास जो डायगोनल नहीं बना रहा वो सारी वैल्यूज जीरो हैं, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब सिमिलरली दूसरा देखें, दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास क्या है? देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है 0 और 4। इसमें देखेंगे एक एंट्री जो है वो जीरो है लेकिन एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो है, लेकिन जो डायगोनल के अलावा जो बाकी एंट्रीज हैं वो क्या है? जीरो है। तो ये भी आपके पास कौन सा होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स आपके पास क्या है? 6, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 3। अब देखिए इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी सारी एंट्रीज जो है वो क्या है? नॉन जीरो है। जैसे 6, 5 और 3 वो सारी एंट्रीज आपके पास क्या हो रही है? जीरो है। तो इसका मतलब ये है, आप देखिए जो बाकी डायगोनल्स की जो बाकी आपके पास वैल्यूज हैं, ये वैल्यू, ये जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं वो सारी क्या है? जीरो है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि ये भी आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। एट लीस्ट वन एलिमेंट जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, बाकी सारे जीरो होने चाहिए, सारे नॉन जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी नॉन डायगोनल्स की जो एंट्रीज है वो सारे के सारे क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे अगर एक भी आपके पास जीरो की बजाय नॉन जीरो वैल्यू आ जाए तो वो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम नॉन जीरो एंट्रीज। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी सेम नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं। मतलब कि जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो सेम नॉन जीरो एक जैसी जो एंट्रीज होती हैं उसको क्या कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। नीचे एग्जाम्पल लिखी है ए मैट्रिक्स की, लिखो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स में एक जैसी एंट्रीज आ रही है 6 और 6, बाकी जो है वो नॉन जीरो जीरो वैल्यूज आ रही हैं। बी मैट्रिक्स में देखें तो देखिए इसमें आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें सेम एंट्रीज आ रही है 4, 4, 4 और बाकी जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं? जीरोज हैं। तो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में सारी वैल्यू जो है वो जीरो होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल्स में जो सारी वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो और सेम होती हैं। यानी कि यहाँ पे 4, 4 और 4 है तो प्रिंसिपल डायगोनल में सारी वैल्यूज क्या होंगी? 4, 4 होंगी, और जो बाकी नॉन डायगोनल्स आ रही हैं वो सारी किसकी इक्वल होती हैं? जीरो की इक्वल होती हैं। तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स और ये डायगोनल मैट्रिक्स।
नेक्स्ट जो टाइप है वो टाइप है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? ए स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू वन। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल में सारी जो यूनिट्स है वो क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल में जो सारी यूनिट्स हैं वो सिर्फ वन होती हैं, उसको कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड या यूनिट मैट्रिक्स। ये दोनों आपके पास एक ही चीज़ है। अगर आज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो उनका एक ही ऑप्शन है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ईच एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल में होता है वो इक्वल टू वन होता है, उसको क्या कहा जाता है, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं, आई इज इक्वल टू 1001। तो ये जो यहाँ पे मैंने 2 और 3 लिखा हुआ है वो उनके आर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये सारे आपके पास स्केयर मैट्रिक्स हैं, यानी कि ये इनके जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या हैं, सेम है। तो ये इनके आर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई टू का मतलब है कि इस मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो 2 by 2 है। सिमिलरली यहाँ पे आई 3 है तो उसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर आपके पास क्या है, 3 by 3, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जो स्केलर मैट्रिक्स की वो टाइप है जिसमें आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ वन होता है। अगर वन के अलावा यहाँ पे 2 आ जाए, यानी कि 2 सेम यूनिट्स आ जाए, तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बल्कि वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, यूनिट का भी मतलब क्या होता है, 1। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल डायगोनल में अगर सिर्फ 1 आपके पास आए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जाम्पल है, टाइप है, वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज आपके पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए का नाम दिया हुआ है, आप कोई और मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, इज डिनोटेड बाय ए ऑफ टी। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है उसको ए और ऊपर थोड़ा सा जो आपके पास पावर की टाइप में तो उसमें कैपिटल टी जो है वो लिखा जाता है, इसको ए ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑब्टेंड कैसे किया जाता है, बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज, यानी कि इसको क्या किया था, इंटरचेंज कर दिया जाता है रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रो में। तो जब आप एक चीज़ को चेंज करते हैं तो इसकी जो अपोजिट चीज़ होती है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। नीचे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल है ए इज इक्वल टू 2 8 7 7 4 5 3 2 6। देखिए फर्स्ट रो आपके पास ट्रांसपोज लिया जाए तो देखिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और उसका वो स्मॉल ट्रांसपोज। तो अब देखिए जब ट्रांसपोज लिया जाए तो क्या होगा, जो रोज है वो किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स में। तो देखिए फर्स्ट रो आपके पास क्या है, 2 8 7, तो जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो किस में चेंज हो गई है, कॉलम में 2 8 7। सिमिलरली जो आपके पास सेकंड रो है 7 4 5, तो ये आपके पास किस में चेंज हो गया, सेकंड कॉलम में 7 4 5। तो जो आपके पास थर्ड कॉलम है वो किस में, थर्ड रो है वो आपके पास है 2 3 2 6, तो वो किस में चेंज हो गया है, थर्ड कॉलम में 3 2 6। तो ये आपके पास है ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं या जो कॉलम्स हैं वो रोज में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए रोज को आपने कॉलम में चेंज कर लिया, अगर आप कॉलम्स के लिहाज से देखें तो वो रोज में चेंज हो जाएंगे। लेट्स सपोज देखते देखिए यहाँ पे कॉलम क्या बन रहा है, 2 7 3 कॉलम बन रहा है ना, तो ट्रांसपोज लिए तो वो किस में रो चेंज हो गया, जो फर्स्ट रो आपके पास आ रही है 2 7 3। तो देखिए जब हमने रोज को कॉलम में चेंज किया है तो जो कॉलम था वो आपके पास ऑटोमेटिक रोज में चेंज हो गया। तो ये आपके पास ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ क्या होता है, जो रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज में चेंज हो जाते हैं। ये था आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो याद है आपने ये 4 पढ़ी है टाइप्स। तो अल्लाह हाफिज़, क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।